हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट रहेगी। इस वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाता है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, यानी एसएससी के थ्रू इसे कंडक्ट कराया जाएगा। आरटीआई में जब पूछा गया था कि टोटल कितना सीट खाली है, तो उसके रिप्लाई में दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि कांस्टेबल का टोटल 9465 सीट खाली है। बट आपको पता है कि इससे पिछली वैकेंसी में भी कुछ सीटें फुलफिल की गई है, तो इस साल के लिए जो आपकी वैकेंसी आएगी 5000 के करीब, यानी 4853 सीट रहेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 3398 एंड फॉर फीमेल्स 1455 सीट्स रहेगा। पोस्ट आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का है। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो अगर इस पोस्ट के बारे में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो या फिर आरटीआई का जो रिप्लाई आया था वो देखना चाहते हो, तो वो मैंने अपलोड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, फिलहाल देखते हैं कि इसके लिए एज की लिमिट क्या रहेगी। आपका एज जो कैलकुलेट किया जाएगा ना, 1 अगस्त 2024, मतलब 1 अगस्त 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 25 वर्ष, 18 to 25 ईयर्स के सभी कैंडिडेट इलिजिबल होंगे। रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को 3 ईयर्स का और एससीएसटी को मिल जाएगा 5 ईयर्स का। अब इसके लिए जो अप्लाई फी रहेगा, फॉर्म का फीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज़। आपको पता है कि एसएससी ज़्यादा चार्ज नहीं करती फॉर्म का। और जो एससीएसटी कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, फीमेल या फिर एक सर्विसमैन, इनके लिए यहाँ पर कोई फी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो जिन्होंने भी 12th पास कर रखा है, डजंट मैटर स्ट्रीम क्या है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के बस पास आउट कैंडिडेट। आपका परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, आप पास कर लिए अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए एक और चीज़ रहता है एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। या तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का या लाइट मोटर व्हीकल का, दोनों में से कोई एक ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मेल कैंडिडेट। सिलेक्शन की प्रोसेस देख लेते हैं। 4 स्टेज से गुजरने के बाद सिलेक्शन होता है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पहले स्टेज पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा, उसको आप पास करोगे, देन आपका पीईटी एंड पीएमटी मतलब कि फिजिकल होगा, देन थर्ड स्टेज पर आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ज्वाइनिंग लेटर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, देखते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस डिटेल में क्या रहेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता है कि एग्जाम होगा ऑनलाइन, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क। समय जो होता है ना 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट डेढ़ घंटे का आपका परीक्षा होगा। निगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/4, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज बता दूं कि जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस रहता है, मतलब करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट होता है। साथ ही साथ साइंस से आपका यहाँ पर 50 प्रश्न रहेगा, उसके बाद रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस है, मैथ्स के यहाँ पर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, समय डेढ़ घंटे का। इस एग्जाम को आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका फिजिकल होता है। रही बात की एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा, आपका जैसे पता है कि एसएससी आपको 3 नियर बाई सिटी चूज करने का ऑप्शन देती है, तो जो शहर आप आसपास का चूज करोगे वहीं पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आगे फिजिकल की डिटेल समझ लेते हैं। फिजिकल के दौरान सबसे पहले हाइट मेजर किया जाता है। मेल कैंडिडेट का से कम 170 यानी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल्स का 158 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट का कैलकुलेट होता है, 81 to 85, यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। फिर आपका क्या होता है रनिंग, 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में मेल को कंप्लीट करनी होती है, फीमेल्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फिर हाई जंप और लॉन्ग जंप का भी टेस्ट होता है। हाई जंप 14 फीट फॉर मेल एंड 10 फीट फॉर फीमेल।
लॉन्ग जंप 3 feet 9 inches फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर फीमेल्स 3 feet का लॉन्ग जंप रहेगा। तो इसको क्वालिफाई करते ही आपका डीवी एंड मेडिकल होगा, देन मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, आप ज्वाइन कर लोगे। जॉब की लोकेशन ऑल ओवर दिल्ली के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। देखिए इसका सैलरी बहुत ही अच्छा होता है, स्टार्टिंग में आपको इनहैंड सैलरी जो मिलता है ना 40,000 से शुरुआत होती है, बाद में बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी 90,000 के तकरीबन पहुंच जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा। देखिए फ्रेंड्स, आरटीआई में दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है कि इतना सीट वेकेंट है, और आपको पता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन खत्म होते ही आपका जुलाई अगस्त में ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसलिए बताया हूँ क्योंकि पिछले ईयर भी इसका एग्जाम हुआ था, तो जाइए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट बनाइए, देखिए कि आप सिलेबस में कहाँ कहाँ छूट रहे, फिर आप मॉडल पेपर भी बनाइएगा कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लीजिए ताकि इस बार एक सीट आपका पक्का हो जाए। आई होप कि इस पोस्ट की सारी जानकारी अब तक आप समझ गए होंगे। अब भी कहीं पर कोई डाउट है, मन में कंफ्यूजन है, तो कमेंट करिएगा, वहां पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।